हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट। ड्रोसोफिला एक अर्थोपोड है, इसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट से ऑलवेज पार्ट सी में एंड पार्ट बी में क्वेश्चन आता है CSIR नेट JRF। फर्स्ट हम बात करते हैं ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ड्रोसोफिला में एक एंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है। एंटीरियर पोर्शन में हमारा हेड प्रेजेंट होता है एंड एक थोरैक्स प्रेजेंट होता है, एंड पोस्टीरियर पोर्शन में एब्डोमेन होता है एंड टेल होती है। हेड में हमारा एंटीना होता है एंड एक कंपाउंड आई होती है। थोरैक्स हमारा थ्री सेगमेंट में डिवाइड होता है, थोरैक्स फर्स्ट, थोरैक्स सेकेंड, थोरैक्स थर्ड। थोरैक्स फर्स्ट में हमारा लेग प्रेजेंट होते हैं, थोरैक्स सेकेंड में हमारे लेग्स एंड विंग्स प्रेजेंट होते हैं, थोरैक्स थर्ड में हमारे लेग्स एंड हाल्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक रूडिमेंट्री ऑर्गन्स है। देन पोस्टीरियर में हमारा एब्डोमेन एंड टेल आता है। एब्डोमेन में हमारा 8 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। ड्रोसोफिला एग हमारा सेंट्रोलेसिथल एग होता है, इट मींस इसमें योक सेंटर में होता है एंड उसके अराउंड हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं उनमें जो हमारा डिविजन होता है, क्लीवेज होता है, वो सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। देन ड्रोसोफिला एग में हमारा एक माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल से ही स्पर्म एंट्री लेता है। स्पर्म के एंट्री लेने से पहले ड्रोसोफिला एग में एक्सिस पैटर्निंग होती है। एक्सिस पैटर्निंग मींस एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, डोर्सल वेंट्रल साइड। सो फर्स्ट हमारा आता है कि हमारी एक्सिस पैटर्निंग कैसे हुई ड्रोसोफिला में। सो आज हम स्टडी करेंगे एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला एग में एक्सिस पैटर्निंग कैसे स्टार्ट होती है। ये हमारा ड्रोसोफिला का ओसाइट है एंड उसके अराउंड फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये ओसाइट में 4 डिवीजन होते हैं, इट मीन 16 सेल्स बनती हैं। 4 डिवीजन होते हैं, 16 सेल्स बनती हैं, 15 प्लस फर्स्ट। उसमें से 15 सेल्स तो इंटरेक्टिंग सेल्स होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड सेल्स होती हैं एंड वो सेल्स नर्व सेल्स बनाती हैं। बट जो एक सेल होती है वो ओसाइट बनाती है। एक ओसाइट था हमारे पास, एक एग था हमारे पास, वो कवर्ड था फॉलिकल सेल्स। उस एग में 4 डिवीजन हुए, 16 सेल्स बनी। आउट ऑफ दी 16 सेल्स, 15 सेल्स हमारी नर्व सेल्स बनाती हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं ओसाइट को, एंड जो एक सेल बची वो हमारी बनाती है ओसाइट बनाती है। अब हमारा एक्सिस पैटर्निंग कैसे हुई, पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की, फिर डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस की। तो क्या होता है, ये जो नर्व सेल्स है, 15 नर्व सेल्स, ये एक mRNA को रिलीज करती है, गुरकन mRNA को, एंड गुरकन mRNA ट्रांसलेट होता है एंड गुरकन प्रोटीन बनाता है। अब क्या होता है, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज टॉर्पिडो रिसेप्टर, ब्राउन कलर, टॉर्पिडो रिसेप्टर। एंड ये जो नर्व सेल्स है, ये गुरकन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, गुरकन mRNA, जिससे कि हमारी गुरकन प्रोटीन बनी। So, जो ड्रोसोफिला एग में एक्सिस का डेवलपमेंट होना है, उस एक्सिस के डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट में फॉलिकल सेल्स कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं गुरकन के साथ, फॉलिकल सेल्स की टॉर्पिडो रिसेप्टर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है गुरकन के साथ, उससे डिसाइड होता है हमारा एक्सिस पैटर्निंग ड्रोसोफिला एग में। फर्स्ट आती है एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। क्या होता है, ये जो हमारा एग है, ये जो हमारा ओसाइट है, ये मूव करता है टुवर्ड फॉलिकल सेल्स, ये नर्व सेल से अपोजिट मूव करता है। तो इसके अराउंड जो हमारा गुरकन mRNA है वो एसोसिएट होता है टॉर्पिडो के साथ। यहाँ पे गुरकन एंड टॉर्पिडो का एसोसिएशन होता है। जब गुरकन टॉर्पिडो का एसोसिएशन होता है तो ये फॉलिकल सेल्स अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करती है। यहाँ पे ये स्क्वेमस सेल्स थी, ये स्क्वेमस से कॉल्यूमिनार सेल्स बन जाती है, एंड इस साइड को बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, और उससे अपोजिट आती है एंटीरियर साइड। इट मींस जब ओसाइट मूव करा तो उसके सराउंडिंग में जो हमारे गुरकन mRNA, गुरकन प्रोटीन्स थी, उन्होंने इंटरेक्ट किया टॉर्पिडो से। टॉर्पिडो हमारा रिसेप्टर था फॉलिकल सेल्स पे, जब टॉर्पिडो पे वो बाइंड हुए तो हमारे फॉलिकल सेल्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने बिहेवियर में चेंज लाया और वो स्क्वेमस सेल्स से कॉल्यूमिनार सेल्स बन गई, और उस साइड को बोला गया हमारा पोस्टीरियर साइड, और उससे अपोजिट साइड थी एंटीरियर साइड। सो एक मूवमेंट की वजह से, उस साइड के एग के एक मूवमेंट की वजह से हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी डेवलप हो गई, और वो किसकी वजह से डेवलप हुई, गुरकन टॉर्पिडो एसोसिएशन की वजह से।
सेकेंड आता है हमारी डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी कैसे डेवलप हुई। क्या होता है जब ये हमारा एग अब मूव करता है अपवर्ड, एग हमारा मूव करता है अपवर्ड एंटीरियर साइड, जब हमारा ये एग सेकेंड टाइम मूव करता है, सेकेंड मूव लेता है, तो अगेन गुरकन और टॉर्पिडो का एसोसिएशन होता है। गुरकन टॉर्पिडो एसोसिएशन की वजह से यहाँ पाइप प्रोटीन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। क्या होता है फॉलिकल सेल्स में, सारे फॉलिकल सेल्स में ये उनका नेचुरल बिहेवियर है कि वो पाइप प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और पाइप प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है वेंट्रलाइजेशन के लिए। जहां भी पाइप प्रोटीन होगी वो पोर्शन वेंट्रलाइज हो जाएगा। बट इस पोर्शन में जब हमारा एग सेकेंड टाइम मूव किया अपवर्ड, तो इस पोर्शन में गुरकन टॉर्पिडो एसोसिएशन की वजह से पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो गया। पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो ये साइड हो गई हमारी डॉर्सल साइड, बिकॉज पाइप प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थे वेंट्रल साइड के लिए, तो ये साइड हमारी हो गई डॉर्सल साइड। सो ये हमारी हो गई डॉर्सल साइड और उससे अपोजिट हमारी आ गई वेंट्रल साइड। सो फर्स्ट मूवमेंट की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी डेवलप हुई, सेकेंड मूवमेंट की वजह से डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी डेवलप हुई। डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी में जहां पे पाइप का सिंथेसिस इनहिबिट हो गया वो डॉर्सल साइड और उससे अपोजिट वेंट्रल साइड। आता है ये पाइप कैसे वेंट्रल पोजिशन डिसाइड करती है, कि जहां पाइप होगा पाइप प्रोटीन होगी वहां वेंट्रल पोजिशन कैसे डिसाइड होती है। क्या होता है वेंट्रल फॉलिकल सेल्स में नॉर्मल पाइप प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो एक हमारा एक्स प्रोटीन है उसको मॉड्यूलेट करती है और एक्स प्रोटीन के अराउंड अटैच हो जाती है। देन एक न्यूडल प्रोटीन होता है, न्यूडल के साथ मिलके वो गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव को एक्टिवेट करती है। जब गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव एक्टिवेट होता है, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव स्नेक को एक्टिव करता है, स्नेक ईस्टर को एक्टिवेट करता है, ईस्टर हमारा स्पिट्जल को एक्टिवेट करता है। एंड स्पिट्जल एक लाइगेंड है, स्पिट्जल एक लाइगेंड है जो कि बाइंड होता है टॉल रिसेप्टर से। जब वो टॉल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो एक प्रोटीन को एक्टिव करता है, दैट इज पीली प्रोटीन, और पीली एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। इट मीन्स ये क्या करता है फॉस्फेट को ऐड करता है किसी भी मॉलिक्यूल पे, पीली कैक्टस को फॉस्फोराइलेटेड कर देता है। अब जैसे ही कैक्टस पे फॉस्फेट आया तो कैक्टस रिमूव्ड हो जाता है। कैक्टस नॉर्मल कंडीशन में रहता है, बट जैसे ही उसका फॉस्फोलाइजेशन हो जाता है वो रिमूव हो जाता है, और कैक्टस रिस्पॉन्सिबल है डॉर्सल साइड के लिए, डॉर्सल पोलैरिटी के लिए कैक्टस रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स जब भी पाइप प्रेजेंट होगा वो कैक्टस को रिमूव कर देगा एंड हमारी वेंट्रल साइड आ जाएगी। बट जैसे ही गुरकन टॉर्पिडो एसोसिएशन हुआ सेकेंड मूव में, तो पाइप प्रोटीन का इनहिबिशन हो गया। अब पाइप प्रोटीन नहीं है, ये सारे इवेंट नहीं होंगे, और कैक्टस फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा। कैक्टस फॉस्फोराइलेटेड नहीं हुआ तो इट मीन्स कैक्टस क्या करेगा, वहां पे डॉर्सल साइड डेवलप कर देगा, और जहां पे पाइप प्रोटीन है वहां पे हमारी वेंट्रल साइड आ जाएगी। सो इस तरीके से जो हमारा ड्रोसोफिला एग है उसमें हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल साइड डेवलप हो गई। अब हमारा क्वेश्चन आता है इफ पाइप प्रोटीन इनहिबिट हो जाए, पाइप प्रोटीन इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा। तो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर साइड तो नॉर्मल आएंगी, बट हमारा जो एग है वो फुल डॉर्सल हो जाएगा, उसमें वेंट्रल नहीं होगा। एंड इफ पाइप प्रोटीन इनहिबिट ना हो, हर जगह पाइप प्रोटीन प्रेजेंट हो, या कैक्टस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, तो हमारा फुल एग वेंट्रलाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस एक्सेस पैटर्निंग होने की वजह से कौन कौन से मैटरनल जीन्स एक्टिवेट हुए, देन उन मैटरनल जीन से कौन कौन से जाइगोटिक जीन्स एक्टिवेट हुए, जाइगोटिक जीन से होम्योटिक जीन एक्टिव हुए, उनके थ्रू कैसे हमारा फुल एक ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट हुआ। सो बेस्ट ऑफ लक।